मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने आज छत्तीसगढ़ के रजनांदगांव में जरूरतमंदों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सिंह ने इस दौरान जरूरतमंदों के लिए राहत सामग्रियों के पैकेज का वितरण भी किया। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन खाते और किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर किए हैं। रमन सिंह ने कहा कि यह राजनीति का समय नहीं है, बल्कि सबके सहयोग से इस महामारी से निपटने का समय है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर कहा कि पूरे देश में 35% मामले तबलीग जमानत के लोगों के सामने आए हैं। प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह लोग कोरबा, जांजगीर, रायपुर में छुपे हुए हैं। इसकी खबर छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं होना बड़ी लापरवाही है। वहीं नक्सलियों के द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर शांति की अपील और घटनाएं करने का सिलसिला जारी है, जो यह दर्शाता है कि नक्सलियों की ना सोच है, ना विवेक, ना ही कोई नियम, ना ही कोई नीति। नक्सली निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर रही है। ऐसे वक्त में इन लोगों को शांति रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर रोजाना हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें चावल, गेहूं, दाल, शक्कर, चाय पत्ती से लेकर आवश्यकता की सारी सामग्रियों का एक पैकेट बनाकर दिया जा रहा है। और बड़ी संख्या में सामाजिक व समाज सेवी संगठन भी बढ़ चढ़कर संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रजनांदगांव प्रवास के दौरान डॉक्टर रमन सिंह नया बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा भी पहुंचे, जहां पर अन्य प्रदेशों से रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ आए लोगों से भेंट कर मास्क वितरण कर सभी की समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल के साथ देवेंद्र गौड़े की रिपोर्ट। बड़ी महामारी है ये, अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और ये इससे बड़ा, इससे बड़ी बीमारी आज तक हमने नहीं देखा कि जो 190 देशों में जिसका इफेक्ट एक साथ पड़ा है 190 देशों में। अब पहला और दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज जहां अमेरिका में चला गया, ब्रिटेन में चला गया, दूसरे राज्यों में चला, देश में चला गया, वहाँ तो तबाही मचा हुआ है, हजारों संख्या में है। इसका उपाय सिर्फ डॉक्टर के नाते एक ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, हाथ वॉश करिए, स्वच्छता करिए और कम से कम अपने घर में रह के लोगों को सचेत करते रहें, बच्चों को भी साफ रखें। यही एक उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। तो जिले के चल रहे कार्यों के बारे में और यहाँ के प्रशासनिक दृष्टि से क्या स्थिति है, अभी जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक महोदय से बात हुई और दो तीन विषय है कि बाहर से आए हुए मजदूरों की संख्या बड़ी संख्या में है और न केवल राजनांदगांव शहर बल्कि मोहला मानपुर चौकी से लेकर छुटिया डोगरगांव तक और पूरे जिले में हर जगह कैंप है और करीब करीब 12,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से हो रहा है। हमारी भी टीम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो जैसा हो सकता है मदद कर रहे हैं, रोज़ करीब करीब 200-250-300 पैकेट बना के बांट रहे हैं। आज भी हमने कहा 1,000 पैकेट उनके लिए, जिसमें आटा, गेहूँ, चावल, शक्कर, चाय पत्ती और दाल तक है, इसको भी आने वाले समय में ऐसे लोगों को वितरण की व्यवस्था होगी। जो काम शुरू हुआ है तो पूरी टीम लगी है, प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी के साथ राजनांदगांव जिले का लगा हुआ है। मैंने उनको बधाई दिया कि राजनांदगांव में एक ही पॉजिटिव केस था, वो भी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ठीक हो गया। कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैंने सुझाव दिए बताए। मूल विषय यही है कि हम सब मिलके दलगत राजनीति से हट के यदि सेवा भाव से काम करेंगे और राजनांदगांव शहर का तासीर जैसा है, जैसे सेवाभावी लोग हैं, जैसे NGO है, तो यहाँ की क्षमता बहुत ज़्यादा है। जितने लोग भी चाहेंगे उनके भोजन कराने की क्षमता राजनांदगांव शहर वासियों पे है। मैं उनको बधाई दूंगा कि मदद के लिए कुल के लोग सामने आ रहे हैं और जिलाधीश भी बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दान देने के लिए तैयार हैं और इनको जिनको जहाँ जहाँ मदद की ज़रूरत है मदद भी हो रहा है। इसमें एक दुर्भाग्य का विषय मैं देखता हूँ, केंद्र सरकार का पूरा योगदान और सहयोग राज्य सरकार को मिल रहा है। 1,70,000 का कहा जाता है कि लॉकडाउन लेट हुआ, प्लेन, इंटरनेशनल फ्लाइट
अरे आज अमेरिका की हालत देख लीजिए, आज ब्रिटेन का हालत देख लीजिए, आज बाकी राज्य देशों की हालत देख लीजिए, क्या स्थिति में पहुँचे हैं। जहाँ का हेल्थ सिस्टम हमसे 10 गुना बेहतर है। इंडिया में प्रधानमंत्री जी ने समय रहते इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, इंटरनेशनल फ्लाइट को समय पे बंद किया, रद्द किया और एक साहस बड़ा हिम्मत वाला निर्णय लिया पूरे देश को कर्फ्यू लगाने की स्थिति में लाने का। ये सबके सहयोग से हुआ, पर इसमें मुझे लगता है कि सेवा कार्य में हम सबको भिड़ के काम करना चाहिए, राजनीति से हट के इस विषय को देखना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों का मदद इसमें लें, प्रशासन का भी मदद लें, सरकार का भी लें, विपक्ष पक्ष का लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने भी 11 लाख रुपया अपने विधायक मत करा से दिया, प्रधानमंत्री सहायता कोष में 1 लाख, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 लाख, एक साल के लिए 30% तनख्वाह देने की बात हमारे विधायक के विपक्ष के सभी साथी कर रहे हैं। तो जो मदद हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं और करते रहे। साहब आप भी एक चिकित्सक हैं, इस कोरोना जैसे सेंसिटिव बीमारी को आप कितना महत्व मानते हैं? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.